बहुत सारे लोगों को प्रीमियम रखने में और वीडियो अपलोड करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सभी समस्याओं के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, किस तरह वीडियो बनाते हैं और कौन कौन सी परेशानी आती हैं और कैसे आपको प्रीमियम अच्छे तरह से अपलोड करना है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में बने रहें। प्रीमियम रखने के लिए सबसे पहले वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे दूसरे नंबर पे अपलोड ए वीडियो वाला ऑप्शन आता है, इसको ओपन करते हैं। उसके बाद आपको जो वीडियो अपलोड करनी होती है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, इनमें से आप विजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपकी पब्लिक या और कुछ भी हो सकती है, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन दिखाई देते हैं, इसमें से नंबर सेकंड वाला अनलिस्टेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और बैक करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट ए टाइटल पे आपको कुछ अपनी वीडियो के लिए टाइटल डालना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल में वीडियो ही डाल देता हूँ और आगे क्या करना वो बताऊँगा। और एड डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन डालना होता है, डिस्क्रिप्शन भी हम आगे बताएंगे आपको क्या क्या कैसे डालना है। और अपने चैनल पर कमेंट जो होती है वो कमेंट को ऑन कर देना है। कमेंट को ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर सेव का ऑप्शन, अपलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नो नॉट मेड फॉर किड्स पे आएगा, कुछ के नहीं आता कुछ के आता है, तो उसको भी नो नॉट मेड फॉर किड पे कर देते हैं। उसके बाद में अपलोड वीडियो कर देते हैं। अपलोड वीडियो के बाद में आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है। उसके बाद में आपके स्टूडियो में आते हैं और स्टूडियो में यहाँ पे नीचे सेकंड नंबर पे कंटेंट का ऑप्शन होता है, इस कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो वीडियो अपलोड की थी, जिस वीडियो को आपको प्रीमियम रखना है उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बाजरे की रोटी वाली वीडियो को सेलेक्ट करते हैं, इस वाली वीडियो को हमको प्रीमियम रखना है, तो ये देखो अनलिस्टेड वाली है, इस पर लिंक का जैसा ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने चैनल पे सब इस वीडियो के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर में एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, एक पेंसिल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे एडिट होने के लिए खुल जाएगा। और इसके बाद में आपको एडिट में यहाँ पे कॉर्नर में देखते हैं तो एक थंबनेल को चेंज करने का ऑप्शन होता है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी थंबनेल चेंज कर सकते हैं। थंबनेल जो आपने नहीं लगाई है उस थंबनेल को यहाँ से लगाना, हमने ऑलरेडी डाली हुई है। तो इसके बाद में यहाँ पे थंबनेल के बाद में नीचे टाइटल लिखा होता है, इस टाइटल पर जाते हैं। टाइटल में आपने जो भी टाइटल है आपके वीडियो के लिए बनाया हुआ है वो अच्छा सा टाइटल यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाला हुआ है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हैं और अपनी वीडियो के लिए जो डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है वो डिस्क्रिप्शन बना करके यहाँ पर लिख देते हैं। और इसके बाद में विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। विजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद जो आपने अनलिस्टेड की थी उस अनलिस्टेड वाले को यहाँ से हटा के आप या तो शेड्यूल कर देते हैं या ऊपर सबसे ऊपर आपका जो पब्लिक वाला ऑप्शन है, पब्लिक के नीचे सेट एज इंस्टेंट प्रीमियर करते हैं, ये वाला तुरंत प्रीमियर करने काम आता है। जैसे आपको तुरंत प्रीमियर करना है बिना टाइम सेट करे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रीमियर तुरंत चालू होता है, इसके लिए होता है। तो आगे और बहुत सारी सेटिंग बताएंगे, बहुत सारी कमियाँ बताएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपके प्रीमियर डालते सर टाइम बहुत सारी गलती हो जाती है, तो वो गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेड्यूल वाला ऑप्शन होता है, तो उसके लिए शेड्यूल वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करेंगे। शेड्यूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर टाइम और तारीख का ऑप्शन आएगा, तो याद रखना आपको जिस तारीख में जिस टाइम में प्रीमियर रखना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने 8 तारीख सेलेक्ट कर ली, ओके करेंगे। उसके बाद में आपको टाइम सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे 9:30 PM का सेलेक्ट करता हूँ, यानी शाम का टाइम सेलेक्ट करूँगा, तो हम PM सेलेक्ट करेंगे नीचे वाला, और सुबह का करेंगे तो AM करेंगे। गलती से कई बार AM PM में मिस्टेक हो जाती है, तो इसका आपको याद रखना है कि AM करना है तो सुबह का करना है, PM करना है तो शाम को करना है, ठीक है। और उसके बाद में ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रीमियर का यहाँ पे टाइम जो है वो सेट हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है सेट है इंस्टेंट प्रीमियर पर टिक होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे हमारा टिक है, क्लिक है। अगर नहीं होगा तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके ऊपर वाले बैक ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं, उसके ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे विजिबिलिटी प्रीमियर लिखी हुई है और यहाँ पर 8 जनवरी का टाइम दिया हुआ है 9:30 PM का। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो इस पर यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है, अगर बंद है गलती से तो इसको ऑन कर लीजिए। यहाँ पे ऑन करेंगे आपका, तो ऑन करने के बाद में आपकी वीडियो पे ऐड आएगा, यहाँ पे एक ना प्लेस ऐड ड्यूरिंग वीडियो, ये नीचे वाले पे टिक करना है। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा की है तो आपकी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा की तो इस पर ऐड आएगा। उसके बाद में नीचे जाते हैं, टैग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे टैग आते हैं, तो देखो आप लोगों को यहाँ पे टैग भी डालने, टैग डालने के लिए आप रैपिड टैग एक वेबसाइट है उसका यूज़ कर सकते हैं, आपका जो टाइटल होता है उससे रिलेटेड टैग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको कैटेगरी कमेंट ऑन करनी है, कैटेगरी देखनी है आपको। इसके बाद में यहाँ पर बैक कर देना है और अपना जो लाइक है वो शो करके रखना है कि आपकी वीडियो पर कितने लोगों ने लाइक किया, ये भी आपको यहीं से करना है, वीडियो पर लाइक कितना हुआ है। उसके बाद में आप बैक कर देते हैं, बैक करने के बाद में
इसमें देखते हैं सबसे ऊपर में आपको एक सेव का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसे मैं गोला करके बता रहा हूँ, सेव वाला, इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये वीडियो यहाँ से सेव हो जाती है। इतना ही आपका काफ़ी नहीं होता, इसके बाद में भी आपको और भी काम करना है जिससे आपका प्रीमियर अच्छी तरह से सेट और सेंट रहेगा, जिससे आपका अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको बैक आके जो सेट किया था उसका टाइम चेक करना है। यहाँ पे थंबनेल के नीचे प्रीमियर लिखा रहेगा, ये देखना प्रीमियर लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने वहाँ पे कोई गलती की होगी तो यहाँ पे प्रीमियर नहीं लिखा आएगा, तो ये भी देख लेना। और यहाँ पर टाइम भी चेक करना, टाइम भी लिखा आता है। उसके बाद में आप अपने चैनल पर चलते हैं, आप चैनल पर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 9:30 का टाइम पे आपका प्रीमियर सेट हो गया है। और अपनी वीडियोज में जाके देखेंगे, आपने अगर कोई वीडियो पहले अपलोड की हुई होती है, पुरानी होती है, तो वो नीचे आती है, तो देखना ये प्रीमियर कितने नीचे शो हो रहा है। ये आपका यहाँ पे प्रीमियर रखा हुआ है 8:30 को 9:30 PM पे प्रीमियर रखा हुआ है, 9:30 PM पे 8:30 को रखा हुआ है। उसके बाद में अगर आपने और कोई भी प्रीमियर रखा हुआ है तो उसको नीचे जाके देख लेते हैं, अगर कहीं प्रीमियर है कि नहीं। कई बार गलती होती है, लोग देखते हैं प्रीमियर ही नहीं शो हो रहा, तो देखो और नीचे यहाँ पे चलते हैं तो अपकमिंग प्रीमियर में एक प्रीमियर और शो हो रहा है। अब इसको प्रीमियर को आपको यहाँ से अपने कॉपी करके अपने कम्युनिटी में शेयर करना होता है। कुछ लोगों को यहाँ से पता नहीं चलता, इसलिए कम्युनिटी में शेयर करेंगे तो कम्युनिटी से पता चल जाएगा। तो शेयर करके कॉपी लिंक कर लेंगे, और कॉपी लिंक करने के बाद क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे, और उस पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर जो गिव्स आउट आउट वाला ऑप्शन लिख रहा है, यहाँ पे इस लिंक को डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे। और इसको डालने के बाद ऊपर सिंपली पोस्ट का जो ऑप्शन है, उस पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो पे जो प्रीमियर रखा है वो प्रीमियर आपकी कम्युनिटी में पोस्ट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो ये देखो आपका प्रीमियर आपकी कम्युनिटी शो हो रहा है। यहाँ पर भी आप टाइम चेक कर लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर भी टाइम शो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपका 8:30 को 9:30 PM का टाइम शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिसने नहीं किया है। उसके बाद में इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका कमेंट का ऑप्शन आएगा, तो कमेंट में आप लिख देना कुछ भी, वेलकम ऑल लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। और लाइव चैट, लाइव चैट में हम वेलकम ऑल लिख देते हैं, और लाइव चैट को हम पिन कर देते हैं। यहाँ पे देखो हमने लाइव चैट को पिन कर दिया है, अभी लाइव चैट हमारी पिन हो चुकी है। अभी यहाँ पे बैक करके और दोबारा चलते हैं, यहाँ पे प्रीमियर का टाइम फिर से देख लेते हैं, 8:30 को 9:30 शो हो रहा है, 3 दिन बाद प्रीमियर का टाइम शो हो रहा है। इस तरह से आप प्रीमियर का टाइम सेट करेंगे। अगर कोई गलती रह जाती है, फिर से आपको प्रीमियर का टाइम बदलना है, एडिट करना है, जैसे इमरजेंसी आ गई, आपको प्रीमियर का टाइम बदलना है, आप 5 मिनट से पहले प्रीमियर बदल सकते हैं, बाद में नहीं बदल पाएंगे, 3 मिनट 2 मिनट बचते हैं, तो फिर से उसी वीडियो पर चलते हैं। उसी वीडियो पर चलने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद एडिट वीडियो पर क्लिक करते हैं। एडिट वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइम देख लेते हैं, या विजिबिलिटी जो है इस पर क्लिक करते हैं, और आपका जो फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक वाला ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर से अपने टाइम पे चलते हैं, हमने यहाँ पे 8:00 में ओके करके फिर से अगर टाइम बदलना है, तो जैसे हमने यहाँ पे गलती से 6:30 बजे का टाइम कर दिया हमने एक बार, तो उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे 6:30 6:30 हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेक करके इसको चेंज करेंगे, 9:30 PM करते हैं। आपको इसको ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पे गलती होगी, कई बार लोगों से गलती हो जाती है तो यहाँ पे टाइम गलत हो जाता है, जैसे अभी हमसे हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने आपको गलत करके बताया, हमसे हुआ नहीं था, पहले हमने चेक किया था सही टाइम था। तो देखो हमने यहाँ पे फिर से 9:30 PM कर दिया है, विजिबिलिटी प्रीमियर शो हो रही है। फिर से इसको हम सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, विजिबिलिटी देख लो प्रीमियर में 8 जनवरी को 9:30 PM पे हो रही है। तो इस तरह से आपका सेट हो जाएगा। इस तरह आपको प्रीमियर अपलोड करने में और वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो उसको सुधार सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक